नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक से पूछे गए हैं। भाई मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, यदि आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके टीसीएस एग्जाम में, आप विद इन 20 सेकंड्स आंसर कर पाओगे। बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाला हूं भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन ये टीसीएस में नहीं आया था, लेकिन अभी मैं आपको टीसीएस का एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, उसके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्या बोला है, पी इज टू क्यू जो है वो आर एस टू एस के बराबर है, और आर एस टू एस जो है वो टी इस टू यू के बराबर है, और ये टू इस टू थ्री के बराबर है। आपको पी प्लस आर प्लस टी डिवाइडेड बाई क्यू प्लस एस प्लस यू की वैल्यू निकालनी है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। तो पी इस टू क्यू को मैं पी बाई क्यू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। आर इस टू एस को आर बाय एस लिख सकता हूँ, एंड टी इस टू यू को टी बाई यू लिख सकता हूँ, एंड टू इस टू थ्री को टू बाई थ्री लिख सकता हूँ। यही कंडीशन गिवन है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है पी प्लस आर प्लस टी डिवाइडेड बाई क्यू प्लस एस प्लस यू किसके बराबर है। एक काम करते हैं हम भाई, यहां से पी बाई क्यू जो है वो मेरा टू बाई थ्री के बराबर आ रहा है, तो एक काम करता हूँ, क्या मैं पी को टू क्यू बाई थ्री लिख सकता हूँ क्या? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, चलो भाई वेरी गुड। इसी तरीके से आर बाई एस भी मेरा टू बाई थ्री के बराबर लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो क्या मैं आर को टू एस बाई थ्री लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए इसी तरीके से टी बाई यू जो है वो भी मेरा 2 बाई थ्री के बराबर आ रहा है, क्लियर है। तो क्या मैं t को 2u बाई थ्री लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, वेरी गुड। सर ऐसा किया क्यों? अब आप ये देखो भाई, ये मेरा टारगेट है, तो मैं p प्लस आर प्लस टी लिखना चाह रहा हूं। p को मैं लिख दूंगा 2q बाई थ्री, प्लस r को मैं लिख दूंगा 2s बाई थ्री, वेरी गुड सर, और t को मैं लिख दूंगा 2u बाई थ्री डिवाइडेड बाय क्यू प्लस एस प्लस यू। सर ऐसा करने से हुआ क्या? अगर आप न्यूमिरेटर देखो तो न्यूमिरेटर से 2 बाई थ्री में कॉमन ले सकता हूं तीनों में से। अगर मैं 2 बाई थ्री कॉमन लेता हूं बच्चा, तो यहां पर क्यू एस और यू का समेशन ही बच जाएगा। डिनोमिनेटर में भी क्यू एस और यू का समेशन दिया है, तो ये पूरा का पूरा हो गया खलास। अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा, 2 बाई थ्री बचा, और मैं अल्टीमेटली इसकी वैल्यू निकाल पाया। वैल्यू क्या है, 2 बाई थ्री, इसको मैं 2:3 भी लिख पाता हूं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्लैरिटी मिली होगी। अभी थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं भाई, इसी का एक और लेवल देखते हैं भाई। अगेन ये भी टीसीएस में नहीं पूछा, लेकिन अभी मैं धमाका करने वाला हूं, उसके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगेन कंडीशन सेम है, क्या है कंडीशन सर, पी बाई क्यू आर बाय एस और टी बाई यू ये तीनों 2/3 के बराबर है। आपसे पूछा एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी, है ना, आपसे पूछा है एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी जो है डिवाइडेड बाय एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू ये किसके बराबर है। एक काम करते हैं, यहां पर थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। देखो पी बाई क्यू है, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एम का मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है सर। यहां पर मैं एन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, और यहां पर मैं ओ का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, क्लियर है। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो एम पी है इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल ए मान लेता हूं, ये जो एम क्यू है उसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल बी मान लेता हूं, ये जो एन आर है उसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल सी मान लेता हूं, ये जो एन एस है उसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल डी मान लेता हूं, ये जो ओ टी है उसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल ई मान लेता हूं, और ये जो ओ यू है उसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल एफ मान लेता हूं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको देखो समझ आएगा। अब यहां पर एम पी की जगह मैं लिख सकता हूं कैपिटल ई, एम क्यू की जगह लिख सकता हूं कैपिटल बी, इज इक्वल टू एन आर की जगह लिख सकता हूं कैपिटल सी, एन एस की जगह लिख सकता हूं कैपिटल डी, ओ टी की जगह लिख सकता हूं कैपिटल ई, एंड ओ यू की जगह लिख सकता हूं कैपिटल एफ, एंड दिस इज इक्वल टू 2/3। समझ रहे हैं आप? अब भाई ये तो वही फॉर्म बन गया अभी जो मैंने सॉल्व किया था, पी बाई क्यू आर बाई एस टी बाई यू अगर 2/3 के बराबर है तो P प्लस आर प्लस टी सारे न्यूमिरेटर का सम कर दो, सारे डिनोमिनेटर का सम कर दो, तो भी 2/3 के बराबर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं A प्लस C प्लस E अपॉन B प्लस D प्लस F, वही मैंने किया यहां पर, सारे न्यूमिरेटर का सम सारे डिनोमिनेटर का सम, ये भी 2/3 के बराबर आना चाहिए। अब देखो भाई मैजिक, A क्या है मेरा MP है, C क्या है मेरा NR है, और ये E क्या है मेरा OT है, डिवाइडेड बाय B क्या है मेरा MQ है, D क्या है मेरा NS है, और F क्या है मेरा OU है। तो A प्लस C प्लस E B प्लस D प्लस F ये 2/3 के बराबर आना चाहिए। भाई पूछा क्या था,
पूछा भी तो यही था, एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी डिवाइडेड बाई एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू, ये भी मेरा 2/3 ही निकल के आ गया, यानी अगेन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2:3 मेरा करेक्ट आंसर है। ये सब मैं इसलिए करा रहा हूँ भाई, एक प्रॉपर्टी होती है जो अपन को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ लिख रहा हूं, ये तीन टर्म्स हैं, तीन में से मैं कोई भी दो टर्म सिलेक्ट कर लू, मान लो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और ये सिलेक्ट कर लिया, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से सम कर दो, ए का ई से सम कर दिया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से सम कर दो, वो हमेशा रिमेनिंग टर्म के इक्वल आता है। कोई भी आप ले सकते हो भाई, यहां से मैं ए प्लस सी, अगर मैं ए और इसको ले लू और बी प्लस बी लिखूंगा तो मेरा ई बाय एफ के बराबर आ जाएगा। या तीसरा क्या लिख सकता हूं मैं, इन दोनों को ले लू, C प्लस ई ले लिया है ना, यहां पर D प्लस एफ ले लिया, रिमेनिंग के बराबर यानी A by B के बराबर आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात को? बिल्कुल भाई, है ना, जरूरी नहीं है ये तीन के लिए अप्लाई करूं, मैं चार के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं। C by D is equals to E by F is equals to G by H for example। अब मैं कोई भी तीन ले लू, मान लो मैं ये तीन ले लेता हूं, तो C प्लस ई प्लस जी न्यूमरेटर का सम करना है और डिनोमिनेटर का सम करना है, ये हमेशा जो एक टर्म बच रहा है उसके बराबर आ जाएगा। जरूरी नहीं है ये चार के लिए हो, H के बाद यहां पर I by J अगर मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल तो भी मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं। कोई भी चार ले लो, मान लो ये चार ले लिए तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच किसके बराबर आ जाएगा, रिमेनिंग आई बाय जे के बराबर आ जाएगा। अब एक बात और यहां पर देखना है, थोड़ा सा और मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, इसको एक्चुअली इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये इक्विवेलेंट रेशियो ट्रिक। जरूरी नहीं है कि यही रखो, आप इनके सेम कोफिशिएंट रख कर भी इस रूल को अप्लाई कर सकते हो। मतलब सर ए और बी का मैंने सेम कोफिशिएंट रख लिया, मान लो 2 रख लिया, यहां पर 2a कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2b कर दिया, e के लिए भी मैंने सेम, e और f के लिए भी सेम रखो कोफिशिएंट, मान लो मैंने e और f दोनों के लिए 3 रख दिया, तो मैंने यहां पे 3e किया, यहां पे 3f किया, है ना, तो भी ये c by d के इक्वल हो जाएगा। बस शर्त ये है कि सेम कोफिशिएंट आपको रखना है, समझ रहे हैं? तो बस जो न्यूमरेटर का कोफिशिएंट है वही डिनोमिनेटर का रख दो। तो यहां भी तो हमने यही किया था, हमने बोला कि सर p by q is equals to r by s is equals to t by u, मेरा 2/3 था, तो मैंने क्या कर दिया था यहां से, सर p plus r plus t upon q plus s plus u को मैंने 2/3 कर दिया, इन तीनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के समेशन 2/3 के बराबर आ गया। लेकिन जरूरी नहीं है मैं इसी तरीके से लिखूं, मैंने p और q दोनों का कोफिशिएंट m मान लिया, n और r दोनों का n मान लिया, o और u दोनों का o मान लिया, t और u दोनों का o मान लिया, माफ कीजिएगा। तो भाई अगर कोफिशिएंट सेम है तो इनका भी अगर मैं समेशन करूं एन आर प्लस ओ टी अपॉन एन क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू, ये भी मेरा 2/3 के बराबर ही आ जाएगा। वही बात हो गई, ये इसी तरीके की बात हो गई, है ना। अब इतना सब कुछ क्यों किया सर, इतना सब कुछ इसीलिए किया, ये सवाल देखिए भाई, टीसीएस में तीन तीन बार आया, 2017 में आया, मन नहीं भरा 2020 में पूछ लिया, मन नहीं भरा 2022 में दोबारा पूछ लिया भाई। तो एक बार देखते हैं भाई ये क्वेश्चन क्या है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती ना बहुत टाइम लगा देते भाई। क्या दिया है, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू 2/3 दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस सी डी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू। आप मेरे स्टूडेंट हो गए ना, 2 सेकंड में आंसर निकाल के आ पाओगे। क्या किया अगर आप गौर से यहां पर देखो, यहां पर ए और सी आ रहा है, अगर गौर से देखो, देखो ये आपको इक्वेशन दी है, रूल के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंस रेशियो ट्रिक लगा देंगे अगर, तो क्या मैं ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी को 2/3 लिख सकता हूं? मैंने इन दोनों को टारगेट बना लिया, न्यूमरेटर को ऐड किया, डिनोमिनेटर को ऐड किया, तीसरे के बराबर आना चाहिए, सर बिल्कुल लिख सकता हूं। अब अगर मैं ए और बी का सेम कोफिशिएंट मान लू, सी और डी का सेम कोफिशिएंट मान लू, तो काम चल जाएगा। एक काम करता हूं, मैं ए का कोफिशिएंट कुछ पी मान लेता हूं, बी का भी पी मान लेता हूं, इसका क्यू और इसका क्यू मान लेता हूं, सी और डी का, तो क्या मैं इसको पी ए प्लस क्यू सी अपॉन पी बी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू 2/3 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अभी तो यही किया था, इसमें भी यही किया था, समझ रहे हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर मैं P की वैल्यू थोड़ी देर के लिए B रख दूं और Q की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मैं D रख दूं,
कोफिशियंट को बी और डी मान लिया मैंने, है ना, कोफिशियंट को बी और डी मान लिया, तो पी जहां भी है वहां बी कर दो, है ना, और क्यू जहां भी है वहां पर डी कर दो। तो क्या बन गया भाई, ये हो गया बी ए प्लस डी सी अपॉन बी इंटू बी प्लस डी इंटू डी। क्या ये 2/3 के बराबर है भाई? P को मैंने B रख दिया और Q को मैंने D रख दिया। देखो तो BA को मैं लिख सकता हूं AB प्लस DC को लिख सकता हूं CD। ये हो गया B square plus D square। Now this is also equal to 2/3 एंड यही तो मेरा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, AB plus CD divided by B square plus D square की क्या वैल्यू है? 2/3 is the करेक्ट आंसर। तो भाई इतना सब कुछ हमने इस क्वेश्चन के लिए किया, 2 सेकंड में आप आंसर लगा पाते अगर आपको ट्रिक पता होती। भाई एफर्ट पसंद आ रहा हो भाई तो लाइक जरूर करें। यही है भाई जो इक्विवेलेंस रेशियो प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था। अगर ए बाय बी सी बाय डी के बराबर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए प्लस सी लिखने की जगह मैंने 2a + 3c लिख दिया। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, तो 2a + 3c 2b + 3d लिख दिया। इसी तरीके से ab plus cd upon b square plus d square लिख दिया, यानी यहाँ पर मैंने b का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ पर मैंने d का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से अब a c d 3 के लिए है तो इन तीनों का समीशन कर सकता हूँ, a plus c plus e, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a plus c plus e upon b plus d plus f, है ना, इन तीनों को लिख सकता हूँ एक साथ सम करके। तो अगेन देखो जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ 2 को ही लूं, है ना, मैंने आपके लिए 2 को बताया, लेकिन मैं चाहूं तो तीनों को भी ले सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, समझ रहे, इस तरीके से भी लिख सकता हूं, तीनों न्यूमरेटर तीनों डिनोमिनेटर का सम कर दूं। सर यहां क्या किया, यहां कुछ नहीं किया भाई, इधर देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, इधर 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड। अगर सेम कोफिशिएंट से कर रहे हो तो एडिशन में आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। अब सेकंड केस में क्या किया भाई, ए और बी में 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड किया, सी और डी में -3 का मल्टीप्लाई -3 का डिवाइड किया, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड किया, बिल्कुल कर सकते हैं, काम आपका चल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि 2 को सम करो तो तीसरे के बराबर आए, आप एक्चुअली तीनों का समेशन करके भी इक्वल लिख सकते हो भाई, है ना, इसी में भी आप पांचों का समेशन करके इक्वल लिख सकते थे। इसको आप ऐसे लिख सकते थे ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी प्लस आई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच प्लस जे, है ना, पांचों न्यूमरेटर का सम पांचों डिनोमिनेटर का सम करके इक्वेट भी कर सकते थे, है ना। तो क्लैरिटी हुई होगी, रूल याद रखना बहुत जरूरी है भाई। एफर्ट पसंद आ रहा हो, तरीके पसंद आ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जाके देखना, आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते जाएं इसलिए सब्सक्राइब करना। कंपनी वाइज प्लेलिस्ट, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट, जॉब नोटिफिकेशन, लाइव स्ट्रीम्स, बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है, जाकर के एक बार एक्सप्लोर करिएगा भाई। अगले सवाल पर हम मूव करते हैं। देखिए ये सवाल विप्रो ने 2019 में पूछा और टीसीएस ने 2021 में पूछा, तो भाई कंपनी वाइज भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या दिया है, ₹200 इज डिवाइडेड बिटवीन नेहा कक्कर, टोनी कक्कर एंड सोनू कक्कर सच दैट नेहा इज टू टोनी का रेशियो दे रखा है 2:3, टोनी इज टू सोनू का रेशियो दे रखा है 3:5। आपको नेहा कक्कर का शेयर बताना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, बहुत फ्रीक्वेंटली टीसीएस में पूछा जाता है भाई। ऑब्वियसली नेहा कक्कर, टोनी कक्कर, सोनू कक्कर नहीं दिया था, ए बी एंड सी दिया था, थोड़ा सा फनी टच देने के लिए मैंने नाम चेंज कर दिए भाई, 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंबाइंड रेशियो ड्राइव करेंगे भाई। नेहा को एन से लिख रहा हूँ, टोनी को टी से लिख रहा हूँ। नेहा और टोनी का रेशियो 2:3 दे रखा है, टोनी एंड सोनू, सोनू का एस से लिख रहा हूँ, इसका रेशियो 3:5 दे रखा है। अगर मैं नेहा इस टू टोनी इस टू सोनू का रेशियो निकालूं तो आप निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल सिंपल है भाई, नेहा को अगर मैं 2 दे दूं तो टोनी को 3 देना पड़ेगा, है ना, अगर टोनी को 3 दे रहा हूं तो सोनू को 5 देना पड़ेगा, 2:3:5 का रेशियो हो गया, और इसी शेयर में इनका पैसे बटेंगे। अब भाई 2:3:5 का एक बार सम कर दो, 2 + 3 + 5 कर दिया तो 10 आ गया, तो टोटल पैसों के 10 हिस्से कर लो, 2 हिस्से नेहा को दे दो, 3 हिस्से टोनू को दे दो, 5 हिस्से सोनू को दे दो, आपको नेहा का हिस्सा पूछा है, तो ₹200 के 10 हिस्से कर दो, तो ₹200 के 10 हिस्से करे तो एक हिस्सा कितने का हो गया, ₹20 का हो गया। नेहा को कितने हिस्से मिल रहे हैं, 2 हिस्से मिल रहे हैं, तो एक हिस्सा 20 का हो गया, तो 2 हिस्से कितने के हो गए, ₹40 के हो गए भाई। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ₹40 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है क्या। अगला सवाल टीसीएस में 2020 में पूछा गया था, जल्दी से देखेंगे, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे। 2 नंबर दे रखे हैं ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ ए
एंड 4% ऑफ बी इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी, फाइंड द रेशियो ऑफ ए इज टू बी। देखिए भाई कोई भी परसेंटेज दे रखा है, कोई भी मान लो वाई परसेंटेज दे रखा है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो भाई डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, है ना। तो अगर भाई 5% लिखा है तो दिस इज नथिंग बट 5/100, अगर कहीं पर भी 6% लिखा है तो दिस इज नथिंग बट 6/100, और कहीं पर भी 8% लिखा है दिस इज नथिंग बट 8/100, क्योंकि हम भाई रेशियो से ज्यादा फैमिलियर होते हैं इसलिए हमने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। 4% लिखा है तो दिस इज नथिंग बट बताइए 4/100, वेरी गुड। अब क्या दिया, पढ़ते हैं सवाल। दो नंबर है ए एंड बी, इज सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ ए, ए का 5% यानी इसको मैं 5/100 इनटू ए लिख सकता हूं, 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी, इसको मैं 4/100 इनटू बी लिख सकता हूं, है ना। ऐसे देखो भाई 4% ऑफ बी, तो परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा देते हैं, बी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ ए, 6/100 इनटू ए, प्लस 8% ऑफ बी, 8/100 इनटू बी। क्लियर है क्या, बताइए भाई क्लियर है क्या भाई। अगर मैं यहां से 1/100 कॉमन ले लूं दोनों में से तो ये हो जाएगा 5a प्लस 4b 2/3, यहां भी 1/100 में बाहर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा मेरा क्या 6a प्लस 8b। आपसे पूछा क्या गया भाई, आपसे a is to b का रेशियो पूछा, ये 1/100 से 1/100 कैंसिल हो गया, क्या बचा 5a प्लस 4b is equals to 2/3 into 6a plus 8b, ठीक है। 3 को इस साइड ले आए, 3 into 5a plus 4b is equals to 2 into 6a plus 8b, ठीक है। ये कितना हो गया 5 into 3, यहां लिख देता हूं 15a, 5 into 3 15a, 4 into 3 12b is equals to, ये कितना हो गया 6 दुनी 12a plus ये हो गया 8 दुनी 16b, तो यहां से भाई 15 माइनस 12 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 हो जाएगा 4b। अगर मैं यहां से a बाय b निकालने की चेष्टा कर रहा हूं तो ये मेरा 4/3 आ रहा है। आपसे क्या पूछा है a इज टू b का रेशियो 4:3 आना चाहिए, कोई ऑप्शन, यस ऑप्शन डी हमारे साथ है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली कुछ नहीं, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन पेशेंस लेवल चेक किया, बहुत सिंपली आप 90 सेकंड्स के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे भाई। अगेन आपको पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन यू नो प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप रीड कर सके, एफर्ट पसंद आ रहा हो तो लाइक करें। एक होमवर्क क्वेश्चन टीसीएस 2022 में पूछा था, मैंने बोला था डिवीजन पे काफी क्वेश्चंस पूछते हैं, देखिए भाई एक क्वेश्चन पूछा, जल्दी से सॉल्व करें विद्यार्थी कर्तव्य, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं कमेंट सेक्शन में, आगे बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच, लव यू।